CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ 5 अक्षरों का महत्व, पृष्ठ संख्या 28, अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में, हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पृष्ठ संख्या 29। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल। पृष्ठ संख्या 30। इस पृष्ठ पर मध्य अमरीका के ओजिम्बावा आदिवासियों के चित्र हैं। तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोणकाक, कौआ और दवाखाने में आदमी। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6,000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहां बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। लेखक गुणाकर मुले।
पृष्ठ संख्या 31। प्रश्न अभ्यास निबंध से। प्रश्न एक, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। प्रश्न दो, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। पाठ सुनकर उत्तर लिखो। प्रश्न तीन, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। निबंध से आगे। एक, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। दो, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है, इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। तीन, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है, क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। चार, एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। यहां एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। इन्हें ध्यान से देखो और इनमें दिए गए वर्णों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो। क्या शानदार दिन है। हिंदी लिपि, पंजाबी लिपि, उड़िया लिपि, तेलुगु लिपि, उर्दू लिपि, बांग्ला लिपि, तमिल लिपि में दिया गया है। अनुमान और कल्पना। एक, पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी। अनुमान लगाओ और बताओ। दो, अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके इनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। तीन, क्या होता अगर क हमारे पास अक्षर न होते, ख भाषा न होती। पृष्ठ संख्या 32। भाषा की बात। एक, रेखांकित शब्द। अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। असफल, अनुचित, अपरिचित, अदृश्य, अनावश्यक, अनिच्छा। दो, वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं, जैसे यहां लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। रेखांकित शब्द 5 अरब। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। रेखांकित शब्द 10,000। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीजों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। 3 जग पानी, रेखांकित शब्द 3 जग। 1 किलो चीनी, रेखांकित शब्द 1 किलो। यहां रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण हैं, क्योंकि इनका संबंध मापतोल से है। अब आगे आने वाले शब्दों को सुनो। खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए मापतोल के उचित शब्द छांटकर लिखो। बॉक्स में लिखे शब्द हैं प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच। 3, खाली स्थान खीर। 6, खाली स्थान कपड़ा। 2, खाली स्थान कॉफी। 1,
खाली स्थान दूध, दो खाली स्थान जमीन, एक खाली स्थान रेत, पांच खाली स्थान बाजरा, तीन खाली स्थान तेल। पृष्ठ संख्या 33। कुछ करने को। एक, अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठी करो। क, जो अब प्रयोग में नहीं रहे। ख, प्रचलित नए अक्षर जो अब प्रयोग में आ गए हैं। दो, लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभ के बारे में दोस्तों के बीच चर्चा करो। तीन, अक्षर ध्वनियों यानी स्वरों और व्यंजनों के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होते हैं। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, उनसे क्या संकेत व्यक्त होते हैं बताओ। पहले त्रिकोण में एक भागता हुआ बच्चा, दूसरे त्रिकोण में सर्कल, तीसरे त्रिकोण में दाईं ओर दर्शाता हुआ एरो, चौथे त्रिकोण में बाईं ओर दर्शाता हुआ एरो। चार, अपने आसपास के किसी मूक बधिर बच्चों के स्कूल में जाकर कुछ समय बिताओ और अपने अनुभव लिखो। पाठ समाप्त। अभी आप सुन रहे थे ये पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।